भाजपा से कोई मंत्री नहीं बनाया गया। भाजपा से ये शायद आप प्राथमिक बात को भूल गए इसलिए सब पूछ रहे हैं। जब अलायंस बनता है उसी समय पार्टियों का नंबर तय रहता है, डिपार्टमेंट तय रहता है, वो पहले ही से तय है। जेडीयू की वैकेंसी बहुत बढ़ी हुई थी इसलिए हुआ है, और कोई भी वैकेंसी रहेगी वो कभी भी हो सकता है। अभी सिर्फ जेडीयू का ही था और जिनकी एकाध वैकेंसी है कम है, इक्का दुक्का है, तो कभी भी हो सकती है, इसलिए उससे इसका मतलब नहीं। हमने पूछ लिया था तो वो अभी नहीं, फिर आगे कोई वैकेंसी नहीं है, ज्यादा मामूली है। लेकिन जेडीयू का जो सीट था वो बहुत ज्यादा वैकेंट था, शुरू से 5, और उसके बाद इधर आप जानते ही हैं और उसकी संख्या बढ़ गई 3 और, तो ये 8 हो गया था। अब हाउस आने वाला है असेंबली, और इतने कम मिनिस्टर रहेंगे, डिपार्टमेंट्स ज्यादा हैं, उसको देखना, हैंडल करना, और हाउस का सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए इसको इधर ही कर दिया गया, ताकि एक एक लोग जो नए लोग हैं या पुराने लोग जो फिर से ग्रहण कर रहे हैं पदभार, तो सब अपने विभाग को देख लेंगे उस पर, ताकि काम ठीक से हो सके और तेजी से हो सके। यही सब कुछ ठीक है, कोई किसी प्रकार का गलतफहमी मन में नहीं रखना चाहिए। हाउस आने वाला है, टाइमिंग मुकेश जी जाएगा भाजपा को प्रतिनिधि नहीं मिला, भाजपा से कोई मंत्री नहीं बना है, सब कुछ ठीक है एनडीए में। मोदी जी सब कुछ ठीक है सर, भाजपा से खाली आ रही है। अजय ठीक है, सब कुछ ठीक है क्या मोदी जी, सब कुछ ठीक है एनडीए में? एक सीट खाली रह गई आपकी, बीजेपी के पहले से एकदम मूर्ख सब है। रुको, अरे क्या करोगे, अरे उन्हीं को लग जाएगा यार। नहीं हो रहा है मोदी जी, क्या लगता है सब कुछ ठीक है एनडीए में? तो पीछे क्या ले रहे, क्या होना भाई साहब को हो जाएगा? अरे नीचे मार रहा इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था, तय किया कि आगे आने वाले दिनों में इसको हम भरेंगे, क्योंकि जेडीयू की वैकेंसी ज्यादा थी और दो लोग उनके जीतकर लोकसभा में चले गए, उनके यहाँ रिक्तियां ज्यादा थी, इसलिए उन लोगों ने तत्काल उसको भरने का निर्णय लिया। उन्होंने कल ही मुझसे आग्रह किया था कि बीजेपी भी जो है जो रिक्तियां उसको भर सकती हैं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, आगे आने वाले दिनों में भरेंगे, और कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल जी ने कहा है साफ तौर पे, 200% कि केंद्र में सरकार में शामिल नहीं होना। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो मेरा विषय, आपके मुख्यमंत्री हैं वो मेरा जी, वो मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर एनडीए 200% एकजुट है, और कल उन्होंने मुझको कहा था कि अगर बीजेपी चाहे तो जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हमारी रिक्तियां बहुत कम है, हमारे भले ही से 13 मंत्री हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहीं कोई ना कंफ्यूजन है, ना कोई विवाद है, ना कोई मुद्दा है। लेकिन नीतीश कुमार जो कह रहे हैं मोदी जी, इस पर आप छोड़ दीजिए